जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अगर किसी भी आप कक्षा में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए हम ओमार शीट का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और पूरा अंत तक समझिएगा ताकि आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोग एग्ज़ाम जो देने जाते हैं आप लोग, उसमें क्या डाउट रहता है कि हम व्हाइटनर यूज करें, जेल पेन लाल का यूज करें, या मार्कर यूज करें, या रंगने वाला कोई पेन यूज करें, या नॉर्मल पेन यूज करें, या जेल पेन का काला पेन यूज करें। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं देखिए, परीक्षा में आपको व्हाइटनर लेके जाना है, लेकिन ध्यान रखिए, इसका यूज उतना ध्यान में रखिएगा कि हमें व्हाइटनर का यूज नहीं उपयोग करने में मजबूर ना हो। ऐसे आप ओमार शीट में रोल नंबर हो, रोल कोड हो, जो भी हो, आप ये समझना कि हमें व्हाइटनर से ना लिखने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, इसका काम हो गया। और देखिए, लाल पेन आपको यूज नहीं करना है। अगर आप लाल पेन यूज करते हैं तो आपका कॉपी पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये रूल है। अगला है आपका मार्कर, ये मार्कर भी आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं, अगला है हमारा रंगने वाला कोई पेन, इसको भी आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये है कि आखिरी बात, ये दोनों में कौन सा यूज करें। देखिए, ऊपर में लिखा रहता है या आप काले बॉल पेन या ब्लू पेन से आप एग्जाम में लिखें या बॉक्स को भरें, तो ध्यान रखें। तो देखिए, इन दोनों पेनों में आपको चूज करना है। लाइट कट गई है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। इसमें आपको किसी एक पेन का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। देखिए, आप बोर्ड एग्जाम फर्स्ट बार दे रहे हैं, आपको रिस्क नहीं लेना है। समझ में आ रही है ना, आपको रिस्क नहीं लेना है। कोई एक ही पेन का यूज करें। देखिए, कई वीडियो में कई टीचर बताते हैं कि आप दोनों पेन यूज करिए। अरे भाई, नहीं करिए, आप एक ही पेन का यूज करिए, अन्यथा आपका पेंडिंग में चला जा सकता है, ऐसा रिस्क हम क्यों लेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको कोई एक पेन यूज करना, मेरा मानो तो आप ब्लू ही पेन यूज करना। ठीक है, और उसके बाद आप एक एक चीज उसमें भरते जाइएगा जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट चीज आता है। जैसे कि ये नाम है, इसमें नाम आप यहाँ पर बोल रहा है अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, तो इसमें जो भी नाम होगा उसमें आप भर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं भर रहा हूँ, इसमें देखिए आर ए यू एस एच ए एन रौशन, और एक डब्बा छोड़ दीजिएगा के यू एम ए आर कुमार, फिर एक डब्बा छोड़कर यादव वाई ए डी ए भी। ठीक है, ये कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, और निरीक्षक का पूरा नाम और निरीक्षक के हस्ताक्षर, इसमें आप नहीं करिएगा, टीचर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरा रोल नंबर है 20 लाख, देखिए 20 लाख। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मान कर 11 है, यहाँ पर 11 होगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 20 लाख 11 है। तो आपको यहाँ पर भी हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये दो के सामने वाले, ये दो को आपको घस लेना है, इसे पूरा घसना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है, यानी करेक्ट मार्किंग और रॉन्ग मार्किंग। तो ये आपको पूरा घेरना होगा और इस तरह भी घेरना होगा। मैं आपको यहाँ पर रोल नंबर वैसे मैं अपना मन से दिया हूँ, रोल नंबर जो भी हो आपका यहाँ तक भी हो सकता है, मैं अपने मन से लिया हूँ। ठीक है, तो इसको इस तरह हम गोला कर देंगे। ठीक है, देखिए दो में है तो दो के लाइन में कर दिए। ठीक है, पूरा करना है आपको, बढ़िया से करना है। अब जीरो है तो जीरो कर लेते हैं, देखिए कर लिए, फिर जीरो है तो जीरो कर लेते हैं। ठीक है, फिर जीरो है तो जीरो को हम घस लेते हैं, फिर जीरो है तो जीरो घस लेते हैं इस तरह, फिर एक है तो एक यहां पर है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड में देख कर करिएगा, फिर यहां पर एक है तो एक को घस लेते हैं। ठीक है, और इसको घसते हुए
ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टिकट संख्या है तो बोर्ड एग्जाम में ये रहता नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर सब कुछ बता रहा हूँ। अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो डेट वो लिखेगा, अगर बर्थ है डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन तो वो भी लिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी है, कैटेगरी मतलब जो भी हो, जैसे मैं OBC हूँ तो यहाँ पर मैं OBC कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे टिक मार देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए जैसे कि मान कर रखिए लाइट आ गया है, थोड़ा मैनेज कर लेगा आप लोग। देखिए जैसे है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, तो इसमें परिमेय क्या है, ये 2 है, तो पहला का डी है आंसर, तो हम पहला का डी में ही घसेंगे। जैसे घस रहे हैं देखिए कैसे घसेंगे, देखिए यहाँ पर पहला है, यहाँ पर पहला का डी मारे हैं, तो यहाँ पर डी आपको घस लेना है, ठीक है। इसमें आपको घस लेना है इस तरह, ठीक से गोला करके ठीक से घसिएगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है √6 × √8, तो इसका हम क्या करेंगे, तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, और 48 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है, देखिए 2 = 24 = 12 = 2 = 6 = 6, तो इसको पेयर मिला रहे हैं तो कितना जाएगा 2√3, यानी ऑप्शन बी है। तो बी आप लोग ऐसे ही करके, जैसे दूसरा का बी आया है तो बी इसमें ऐसे घस देंगे, देखिए इसमें घस लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह हम घस लेते हैं, ठीक है। तो आपको अगर 100 में बोले 50 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो यहाँ पर 100 है, देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर 100 है, देख लीजिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर 100 है। इस 100 के अंदर में किसी भी 50 प्रश्नों को आप घस सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना होगा कि चेक कर लेना है कि मैंने कितने क्वेश्चन को हल किया हूँ, और कितना हमें कहा जाता है कि हल करिए, और उतना मैंने किया हूँ कि नहीं। और यहाँ से 1 से लेकर आप तक को 100 तक गिन लेना है कि कितना क्वेश्चन को हमने हल किया है, और 50 क्वेश्चन मेरा पूरा है कि नहीं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बिहार बोर्ड का ओमारशीट लाऊँगा और उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।